पूजन द्योगिन गोर बावर माने पूजन द्योगिन गोर एजी मारी सहेल्या जो ए बाट तो लीजिए हमारी गणगौर की थाली तैयार होगी, तो फटाफट से व्रत खोल लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला कुक बुक पर और मेरे घर में भी। आज है गणगौर और गणगौर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ बहुत सारे त्योहार चल रहे हैं, नवरात्रि, चैती नवरात्र है, गुड़ी पाड़वा और बहुत सारे त्योहार आते हैं इस महीने में, चेटी चंड और ईद भी है साथ ही साथ। आज तो सभी को सभी के त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी इसी तरह से हंसी खुशी से अपने घर में त्योहार मनाइए। तो आज गणगौर के उपलक्ष्य में मैं बना रही हूँ खीर। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है और अभी इसमें चावल डाल दूंगी। चावल मैंने यहाँ भिगो के और धो के रखे हैं, अब इसमें डालूंगी मैं। और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी गणगौर के गुड़े और फल। और वैसे तो सारी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग के हिसाब से दिखाऊंगी। यहाँ पे गुड़े बना रहे हैं, गेहूं का आटा रखा है, साथ ही साथ गुड़ रखा है मैंने, और साथ में उसमें रखा है इलायची का पाउडर। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, गेहूं के आटे के बनाएंगे हम। और साथ में गुड़ को थोड़ा सा हल्के से पानी में भिगो देंगे और उसका पानी से आटा गूंधे हुए हैं, और थोड़ा मोयन डालूंगी इसके अंदर घी का, तो वो हम डालेंगे और साथ में बनाएंगे हमारे गुड़े, तब मैं आपको बताऊंगी। और इसकी रेसिपी पूरी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी में गुड़ को डाल दिया, गुड़ मैंने बताया था उसको, अब इसका पानी बना लेंगे। बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म होते ही ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए गर्म होने लग गया। ये जो गुड़ का पानी मैंने बनाया है इसको हम छान लेंगे, कोई कचरा वगैरह हो तो निकल जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी केसर डाल दी ताकि कलर छूटता रहेगा उसका, और साथ में चावल भी मैं डाल चुकी हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे राधिका निकाल रही है चने की दाल, बॉईल करने रखी थी, इसके मैं चावल बनाऊंगी। तो यहाँ पे आटे में डालेंगे मोयन, जैसे कि आप मीठा बनाते हैं शक्करपारे वगैरह तो उसमें आप कोई जने ऑयल का भी डालते हैं, घी का अच्छा लगता है वैसे तो, और मैदे के भी बनते हैं, कई तरह से बनते हैं, तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और जैसे मीठा बनाते हैं ना उसमें बहुत बैलेंस करके मोयन डालना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि जब हम मीठा पानी डालेंगे गुड़ का या शक्कर का जैसे बना तो वो बिखर जाते हैं। तो इसमें बहुत ही बैलेंसिंग करके, और आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो जब तक राधिका थोड़ी खीर मैंने चढ़ाई है वो हिला रही है, तब तक मैं आटा इसका लगा लेती हूँ गुड़े का, फिर हम बनाएंगे इसके गुड़े और फल। तो ये देखिए मैंने मोइन डाल दिया है, अब इसमें ये गुड़ का पानी डालूंगी, धीरे धीरे डालते हुए मिक्स कर लेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं था, ये इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा पानी में मिला देंगे ताकि आसानी से मिक्स हो जाएगा और फिर आटा गूंद लेंगे। बस अब ये पानी जैसे डालेंगे तो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर, बहुत अच्छा लगता है। जैसे इसमें जब सांकली पापड़ी बनाते हैं ठंडे पे और अष्टमी पे, तो इसी तरह से बनती है गुड़ की, आटे की। और इसमें तिल भी डाला जाता है, तो कई लोग तिल भी डालते हैं, कई लोग सौंफ भी डालते हैं, तो अपना अपना अलग तरीका। वैसे तिल डाल के बना सकते हैं, किसी को पसंद है थोड़ा सा आटा गूंधते समय तिल डाल लें इसमें। जैसे गुड़े तो हमारे ऐसे प्लेन ही बनते हैं गुड़े और फल। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा पानी उपयोग में ले लिया है, आधी पहली करीब मैंने गुड़ लिया था। तो ये देखिए एक बड़ा बाउल मैंने ले लिया था आटा। तो अब ये जैसे आप कहेंगे ना ये थोड़ा सा गीला हो गया, ये देखिए पूरा पानी डाल दिया, इसको बस आप 5-10 मिनट रखेंगे सारा पानी सोख लेगा हमारा आटा और बिल्कुल सेट हो जाएगा ये। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गूणे का आटा बिल्कुल हो गया है सेट। ये देखिए अब इसके हम लोई बना के छोटी छोटी और रोटी जैसी बेलेंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको काटेंगे तब। ऐसे छोटी छोटी लोई ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये काट दिए, देखिए आप। और अब इनको हम रोल करके बनाएंगे हमारे गुणे। तो ये देखिए इस तरह से होता है गुणे, ये यूं करके और इसको हाथ से ऐसे दबा देते हैं तो ये बन गया हमारा गुणा। इसको चिपका देंगे, जैसे ये लंबी है हमारी तो इसको हम बीच में से कट कर देंगे और इसको हाथ पे उंगली पे ऐसे लपेट के और बस इस तरह से इसको यहाँ पे चिपका देंगे तो ये बन गया हमारा गुणा। इसको बोलते हैं गुणे। तो ये इस तरह से बना लेंगे सभी पट्टियों के। तो ये मैंने एक छोटी सी लोई बना लूंगी, ये देखिए गोला बना लिया हमने। इसको इसके हम बनाएंगे फल। तो ये बीच में से इस तरह से लेते हुए इसको ऐसे करके और ये बन गया बस। फल बनाना बहुत ही आसान है, गुणे गुणे भी बनाना बहुत आसान है। इनको हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये बन गया हमारा फल। यहाँ पे हमारे गुणे और फल बन के तैयार हो गए, आप देख सकते हैं। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आटा बच गया था हमारा मीठा वाला, तो इसके मीठे शक्कर पारे बन जाएंगे। तो राधिका यहाँ पे बेल के और शक्कर पारे बना देगी काट के, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे, खाने में टेस्टी लगते ये भी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है और थोड़ा सा गर्म होते हल्का सा मीडियम पे कर दिया मैंने। कम ज्यादा करते रहे, एकदम भी आंच तेज नहीं हो। तो थोड़ा ये तेज हो गई तो थोड़ा मीडियम पे कर दे वापस से तेज। तो ये देखिए अब इनको हाथ से दबा ले, यदि आपको लग रहा है थोड़ा सा खुला खुला हो रहा है तो हाथ से दबा दबा के डाल देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये हमारे गुणे पहले फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्राई कर लेंगे, थोड़े मीठे होते हैं उनको सावधानी से करना पड़ता है। ये देखिए चारों तरफ से ताकि हमारे ये सिक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। ये गुणे हमारे फ्राई हो गए, इसको निकाल लिए। जैसे ये अभी थोड़े नरम होते हैं और जैसे ठंडे होंगे कड़क हो जाएंगे ये। और अब ये फल भी डाल देंगे इसमें। गुणे तो मैंने आपको दिखाए थे, अब इसी तरह से मैंने ये फल डाल दिया ऑयल में। अब इनको हम फ्राई कर रहे हैं, देखिए आप पलटते उलटते हुए। कभी आंच तेज होगी तो उसको धीमा कर दे मीडियम पे वापस, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको बीच में बैलेंस करना पड़ता है हमारे ना गैस की फ्लेम को, जैसे कम ज़्यादा करते हुए। ये देखिए अब हो गए, ये थोड़े नरम रहते हैं, जैसे अभी थोड़े फ्राई हुए हैं तो नरम है। अब फिर डाल के थोड़ी देर रखेंगे तभी अपने आप ही कड़क हो जाते हैं। तो लीजिए इनको भी निकाल लेते हैं, ये हो गए हमारे। यहाँ पे हमारे गुणे और फल तैयार हो गए हैं फ्राई करके, तो अब रख देते हैं, ठंडा होने के बाद ही इन्हें डब्बे में डालें। थोड़ा सा आटा बच गया था, मीठे शक्कर पारे छोटे छोटे बना दिए हमने, ये भी खाने के काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी खीर हो चुकी है रेडी, अब मैं बंद कर दूंगी। इसमें मैंने डाल दी थी शुगर और साथ में थोड़ा पिस्ता, चिरौंजी, इलायची पाउडर सब मैंने डाल दिया है, अब इसको बंद कर देंगे। यदि आप लोग चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, साथ में थोड़ा मावा है अगर गाढ़ी करनी और भी तो मावा डाल सकते हैं, और मिल्क पाउडर है यदि आपको लग रहा है दूध कम है तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे भी चाहें बना सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने दूध को गर्म अच्छा काढ़ के यानी रड़ा के कढ़ाई में, तो ये देखिए ये तो आज मैंने भगोने में बनाई, वैसे कढ़ाई में रड़ाएंगे तो और जल्दी, ये मेरा दूध इसमें पड़ा था तो मैंने बना दिया तो अच्छी बन गई। अभी पड़े पड़े और गाढ़ी हो जाएगी, यदि फ्रिज में हम रखते हैं तो इतनी पतली रखनी चाहिए क्योंकि नहीं तो वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। कई लोग जैसे ठंडी खाते हैं, और जैसे यदि लोग ठंडी खा रहे हैं आपके घर में तो भगोने में निकाल लें अलग से, कोई गर्म खाता है कोई ठंडी, तो गर्म करने वाले को गर्म खाने वाले को और ठंडी खाने वाले को फ्रिज में रख दें तो वो ठंडी खा सकते हैं, तो जैसा भी चाहे। तो फिलहाल खीर तो हमारी हो गई है तैयार, तो अब मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। सभी को पसंद है, दादी सब को भी पसंद है और सब जने आराम से खाते हैं।
तो अब मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ खड़े मसाले डाल देंगे, बड़ी इलायची और तेज पत्ता सब हमने डाल दिए, थोड़े थोड़े खड़े मसाले। ये कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे। और आप लोग यदि मेरे रेसिपी देखना चाहते हैं पनीर की, तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, बहुत तरह से बना रखा है मैंने, कई तरीके से पालक पनीर, पनीर के कोफ्ते, पनीर कबाबदार, पनीर शिमला मिर्ची सब बना रखे, तो आप देख के बना सकते हैं। प्याज फ्राई होने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट। कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा तीखा वाला हमारा लाल मिर्च पाउडर। मसाले भूनने के बाद ही अब इसमें मिलाएंगे हम टमाटर की ग्रेवी। ये कद्दूकस किया हुआ टमाटर है, मसाला भूनने के बाद इसमें डाल देंगे। हमेशा टमाटर बाद में डालें और बहुत अच्छा भूनना चाहिए टमाटर डालने के बाद, टमाटर का कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और आप चाहे तो रेडीमेड हमारे टमाटर प्योरे आती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव वगैरह होता है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। और प्योरे बनानी है आपको तो आप टमाटर को बॉईल करके उसका छिलका निकाल के और पीस के आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से डाल सकते हैं कद्दूकस करके। अब इसमें हम डालेंगे पीसा हुआ हमारा होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा डाल दिए, फ्लेवर आ जाता है बहुत अच्छा। यदि आप लोग भी होममेड गरम मसाला या अदरक लहसुन की पेस्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं सूखा के, जैसे पुदीना पाउडर है जो भी है, तो वो सब वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख के और बना सकते हैं। वैसे तो पूरी सब्जी घी में बना सकते हैं पर मैं थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए डालती हूँ, मैंने ऑयल में बना दी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो राधिका आ गई है और राधिका को मार्केट मैंने भेज दिया था, बीच में काम करते करते याद आया कि क्रीम नहीं है, तो देखिए गाड़ी चलाना आता है उसको, स्कूटी वगैरह, उसका ये फायदा होता है, ये फटाफट से मेरी क्रीम और पनीर लेके आ गई। यहाँ पे ये बथुए के पत्ते हैं, देखिए आप, इसका बहुत महत्व माना जाता है, जब हमारी गौरी यानी कि है ना गवर हमारी गई थी भी है, तो बथुए की पिंडोलियाँ खाई थी उन्होंने, तो वहाँ पे रिवाज है। पहले जब ईश्वर जी ने पूछा था कि थे कई जीम हो, तो बोला कि मैं तो यानी घड़े पकवान जीम या, और जब ईश्वर जी तो सर्व ज्ञानी और सर्व ज्ञाता है, तो उनको तो दिख गई पेट में पानी में तैरती हुई गौरा के ये बथुए की पिंडोलियाँ, तो वो कुछ नहीं बोले, हल्के हल्के मुस्कुराने लगे। ये एक दंत कथा है, तो जिस तरह से मैंने सुनी थी आप लोगों को बता दिया। तो बथुआ खाया जाता है कि इसका महत्व है, तो हम भी इसकी बथुए का रायता तो बना लेंगे, पिंडोलिया तो नहीं, हमेशा क्या है कि ट्रेडिशनल हमारे यहाँ पे इसको बॉईल करूँगी अभी और उसको मैश करके दही में डाल के इसका रायता बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया है ग्रेवी यानी मसाला तैयार, तो अब इसमें डाल देंगे एंड में हम कसूरी मेथी और साथ ही साथ थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दूंगी मैं, इससे बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम हमारे लोटे तैयार कर रहे हैं, जो कि ना परंपरा है इससे कुएं से जैसे पानी लाते थे लोटे वगैरह, तो अभी तो हम कुएं पे वगैरह नहीं जा रहे हैं, घर के ही पानी से लोटे सजा के हम गवर के पास में रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से माला वाला और इसके बीच में अभी पत्ते वत्ते लगा के और इसको सजाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी मैं इसके अंदर, और आप लोग यदि चाहें तो मलाई पड़ी है उसको अच्छे से फेंट लें ताकि उसमें दाने दाने लम्स वगैरह ना रहे, तो वो भी डाल सकते हैं। तो साइड पे मैंने भगोनी में रख दिया बथुआ बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पे हमारी पनीर की ग्रेवी हो गई है रेडी, तो बस अब इसमें डाल देंगे पनीर के टुकड़े जो कट करके थोड़ा पानी में रख दिए थे मैंने, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, हल्के से फ्राई कर लें फिर उसको ऐसे पानी में डाल दें, इससे क्या होता है कि वो एकदम से कड़क नहीं होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो बस अब हमारा पनीर डाल देंगे इसके अंदर, अब थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और हमारी पनीर की सब्जी होगी रेडी। आप लोग भी बना सकते हैं, फटाफट से बन जाती है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बथुए का रायता। बथुए का रायता एक ट्रेडिशनल है और बहुत ही मतलब मानता है कि ये बनाना चाहिए, तो सब जने तो खाते नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, हम लोग थोड़ा खा लेंगे। तो ये जैसे बथुआ है देखिए, मैंने बॉयल करने के लिए रखी थी पत्तियाँ, ये देखिए इसका पूरा पानी निचोड़ दिया मैंने, बस अब ये हमारे यहाँ बथुए की पिंडोली भी बना के पूजा में रखते हैं, बस इसी तरह से इसको बिल्कुल मैश करके और बिल्कुल ऐसे हाथ से करके मैं डाल दूंगी दही के अंदर, बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया देखिए आप, तो इसका रायता बनाऊंगी मैं। ये देखिए इसमें मिक्स कर देंगे हम बथुए को, और बहुत हेल्दी होता है, इसमें आयरन भी बहुत होता है, इसकी सब्जी भी खाते हैं कई जने, मिक्स करके पालक वगैरह में भी बनाते हैं। तो बस बथुआ डाल दिया दही को फेंट के, अब इसमें थोड़ा सा सूखा पुदीना पाउडर, साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर और नमक डाल दिया थोड़ा सा और लाल मिर्ची पाउडर,
तो अब इसको मिक्स कर देंगे, तो ये हमारा रायता तैयार हो गया। और आप चाहें तो इसको तड़का लगा के भी बना सकते हैं, हल्का सा ऑयल लेके या घी लेके जीरे का तड़का लगा के उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के तड़का भी डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन को कर लिया है फ्राई, ब्राउन अनियन। अब इसको मैं चावल के ऊपर डालूंगी गार्निशिंग के लिए, और अच्छे भी लगते हैं। तो ये मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ, और अभी मैं बनाऊंगी चने की दाल के चावल, चने की दाल की कबूली या चने की दाल के चावल बोल सकते हैं। ये हमारी चने की दाल है जो बॉईल करके रख दी है, तो इसको हम अभी डालेंगे चावल में और बनाएंगे। जैसे ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर, बहुत हल्का मसाला एकदम वाइट से, थोड़ा टमाटर वगैरह। जैसे कबूली बनाते हैं इसी की चने की दाल की, तो इसमें दही डाल देते हैं थोड़ा, और परत लगा के भी बना सकते हैं। जैसे चावल की परत बिछा दी, फिर बीच में मसाला और चने की दाल की, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी तो मैं मिक्स करके ही बना रही हूँ, फटाफट से हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं चने की दाल के चावल। तो ये खड़े मसाले डाल देंगे हम ऑयल के अंदर, इसमें हम बनाएंगे चावल, और ये छोटी इलायची भी डाल देते हैं। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो अभी हमने खड़े मसाले डाल दिए, थोड़ा सा घी भी डाल दिया। आप चाहे तो ऊपर से भी मेल्टेड घी डाल सकते हैं जब चावल बन जाते हैं उसके बाद में। खड़े मसाले डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़े से प्याज। तो ये वाले अनियन तो मैंने फ्राई करके रख दिए थे ऊपर के लिए, और ये थोड़े अंदर तड़के में डाल दिए खड़े मसाले के साथ। तो थोड़ी सी ये लंबी लंबी मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ी बारीक कटी हुई भी डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से टमाटर, और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा दही भी आप लोग चाहे तो दही में डाल सकते हैं, इसकी जब हम बनाते हैं चावल के। तो फिलहाल मैं तो टमाटर का बना रही हूँ, मुझे टमाटर वाला पसंद है। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट 2 छोटे चम्मच, तो ये हमने डाल दी अदरक लहसुन की पेस्ट। साथ में नमक डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा तीखा पड़ जाए। थोड़ा ग्रीन चिली भी डाल दी मैंने, और थोड़ा सा हमारा होममेड जो गरम मसाला है पीसा हुआ, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये पीसा हुआ गरम मसाला। इसके अंदर हल्दी पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस ये हमने डाल दिया मसाला। यहाँ पे ऐड करूंगी हमारी ये चने की दाल जो बॉईल करके रख दी थी। बहुत ज़्यादा एकदम मैश नहीं करें दाल को, थोड़ी सी खड़ी दाल बॉईल करनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल वो चावल के साथ मिक्स हो जाती है, एकदम दिख रही थी ये दाल के दाने। और साथ ही साथ ये दाल, ये चावल मैंने जो भिगो के रखे थे दाल डालने के बाद थोड़ी देर बाद, तो ये हम इसमें मिला देंगे साथ ही, और हम पानी डाल देंगे बस। इसमें सब मसाले वगैरह हो गए, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालना है हमको, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा आप देखेंगे जब चावल पकेंगे तब। तो एक बार इसको मिक्स कर देते हैं हल्के हाथ से, ताकि हमारा चावल टूटे ही नहीं। और अभी जैसे हमने थोड़ी मिर्ची भी डाली है, थोड़ा नमक है, हरी मिर्च है, सबका जो तीखापन है, खटाई टमाटर की, सब हो गए एकदम, बहुत अच्छे बैलेंस चावल बनेंगे। अब ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। अब इसको हम ढक्के और धीमी आंच पे पकाएंगे, और थोड़ा सा ढक्कन हटा देंगे ताकि पानी उफने नहीं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा काजू को फ्राई कर दिया, ये मैं चावल के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे चावल हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से काजू और किशमिश, किशमिश मैंने पानी में भिगो दी थी, काजू को मैंने फ्राई किया था, तो थोड़े किशमिश इसमें डाल देते हैं। और अब डाल देंगे इसमें हम थोड़े से हमारे ये काजू, तो हल्का सा ऊपर नीचे कर देंगे, थोड़े बहुत अंदर थोड़े बहुत ऊपर। काजू किशमिश तो डाल दिए थे, अब इसमें डाल देंगे ये देखिए फ्राइड अनियन, जो प्याज को हमने फ्राई करके रखा था, ब्राउन अनियन भी बोल सकते हैं आप इसको। इसका पेस्ट बना के भी कई सब्जियों में, कबाब में, कई चीज़ों में डाला जाता है ब्राउन अनियन का पेस्ट बना के। जैसे कि ये हमने टमाटर पतले पतले स्लाइस करके रख दी थी, जैसे मैंने घी थोड़ा सा डाल दिया था साथ में। आप चाहें तो जैसे अब हमारा पुलाव बन गया, हल्का सा घी को मेल्ट करके ऊपर से भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, या फिर पार्टी वगैरह है तो घी डाल दें, थोड़ा सा गरम मसाला, या फिर आप चाहें तो दूध में थोड़ा सा हमारा केसर घोल के और उसको भी ऊपर से डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यदि पार्टी के लिए और बना रहे तो बहुत अच्छा आ जाता है। ये भी अभी तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, तो घी मैंने डाल दिया था, तो बहुत ज़्यादा घी वाला नहीं हो जाए, तो इसलिए अब मैं ऊपर से नहीं डालूंगी। और फिलहाल तो हमारे चावल ऐसे रेडी हो गए। अब थोड़ा सा इसमें डालना हरा धनिया, और थोड़ी सी पतली पतली टमाटर, ग्रीन चिली सब मैंने रख दी है ऊपर, तो अब थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर डाल देंगे इसके।
तो धनिया तो हमने डाल दिया, जैसे कबूली वगैरह या परत वाले चावल तो उसमें धनिया के साथ हम फ्रेश पुदीना भी डालते हैं। और ये जो हमारी चने की दाल के चावल है ना, स्पेशली इसके अंदर धनिया तो थोड़ा मैंने डाल दिया, पर ये देखिए सूखा पुदीना, इसकी मैं पत्तियां ही ऐसे सुखा के रख देती हूँ डब्बे में भर के। इसको पूरा नहीं पीसते हम, थोड़ा थोड़ा पीसते हैं ताकि उसका फ्लेवर बना रहे। और जैसे अभी ये वाले चावल है, इसके अंदर देखिए मैं बस हाथ से ऐसे क्रश करके डालूंगी तो उसका एक फ्लेवर ही अलग आता है। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने सूखा पुदीना पाउडर क्रश करके डाल दिया। अब मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी, तो ये मैं बनाऊंगी थोड़े से हींग और जीरे में, बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। और राधिका को पसंद है तो उसके लिए थोड़ी सी उस हिसाब से बना दी, और एक बना दी लहसुन प्याज की पनीर की, वो भी पसंद है उसको, तो थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो इसमें डालूंगी थोड़ा कटे टमाटर और हरी मिर्ची कटी हुई, मैं डालूंगी नमक, साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें रेड चिली पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा एकदम हल्दी पाउडर मामूली सा, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैं धनिया वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, और इसमें मैं डालूंगी टमाटर प्योरी, थोड़ी सी टमाटर मैंने एक काट दिया और एक की प्योरी बना दी थी, कद्दूकस कर लिया, इसको अब डाल दूंगी। बस बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये वाले आलू, और कोई भी मसाले की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब इसमें ये बॉयल किए हुए आलू डालेंगे। आलू की सब्जी हो गई है रेडी, तो अब इसके अंदर हम हरा धनिया नहीं डालेंगे, इसके अंदर सूखा पुदीना डालेंगे, बहुत टेस्टी लगता है। और ये भी हम पीसा हुआ जो रखा है वो नहीं डालूंगी, ये क्रश करके, ये जो मैं साबुत पत्तियां रखती हूँ जैसे अभी मैंने चावल में भी थोड़े डाले थे, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो बस इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। सब्जी तैयार हो गई है, और इसको बंद कर देते हैं गैस को। अब हम गणगौर का पूजन करेंगे, सभी तैयारी हो चुकी है। गणगौर का सिंगार तो मैंने बताया था आपको, करवाया था, और अब हमने इनको स्थापित किया है। यहाँ पे पूजन करेंगे, जहाँ पे हम बाजोड़ पे हमने सभी चीज़ें और भोग की भी जो मैंने चीज़ें बनाई वो बताई, तो भोग लगाएंगे और इनकी पूजन करेंगे। तो चलिए फिर हम गणगौर को पूजते हैं।
रहे हैं मम्मी के यहाँ, पूजा कर ली है क्योंकि मम्मी के यहाँ पे वहाँ पे अभी मेरे भाभी सा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, तो उनकी गवर सुनी नहीं रहनी चाहिए। हमेशा मम्मी कहते थे कि गवर सुनी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ जाके उनकी गवर की भी हम पूजा करेंगे। जब तक मेरे भतीजे की बहू नहीं आती हम लोग करेंगे, फिर वो आएगी तब उसके हाथ से पूजा करवाएंगे। तो मम्मी के घर पे आ गए हैं, तो चलो फिर इनकी गवर की हम पूजा करते हैं, गवर और ईश्वर जी की। जब तक मेरे भतीजे की बहू आएगी हम पूजा करेंगे, जब वो आएगी तो फिर उसको सिखाएंगे, उससे पूजा करेंगे। गणगौर की थाली तैयार होगी, तो फटाफट से व्रत खोल लेते हैं। तो हमारी गणगौर की थाली बिल्कुल तैयार हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चने की दाल के हमारे चावल है, यहाँ पे हमने खीर बनाई है चावल की, आलू की सब्जी है, साथ में पनीर की सब्जी है, और बथुए का रायता, खरबूजे का पन्ना, साथ में मेथी की मिर्ची है, और है घेवर। खीर के साथ घेवर बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हमारे गुड़े और फल जो हमने बनाए थे व्रत के समय खाएंगे, और ये है गर्मा गर्म पूड़ियाँ।